प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 52 साल से वंचित जमीन और घर के लिए 63 हिंदू बंगाली परिवारों को 2 एकड़ जमीन, मकान, आवास बनाने के लिए पैसा, समुचित व्यवस्थाएं से आच्छादित करने का आज काम किया है। जो बंगाली परिवार हैं, जो 63 परिवार यहाँ आए हैं, जिनको ये सुविधाएँ मिली हैं, वो सब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि कैसी अनुभूति हो रही है उनको, बड़े संघर्ष के बाद और बड़ी कोशिश करने के बाद, बड़े प्रयासों के बाद आस पार मकान मिला है उनको और मकान से आच्छादित हुए हैं, और किस कैसा महसूस कर रहे हैं। हम लोगों से बात करेंगे और पूछेंगे कि कैसा लग रहा है। बहुत 52 साल बाद आप लोगों को मकान मिला है आज। हाँ बेटा, बहुत क्या हम इतना खुश हैं। मेरा बेटा को जिंदगी मिल रहा है। मेरा बेटा इतना दिन भटक रहा था। मेरा पति तो ऐसा रोते रोते जिंदगी उसका खत्म हो गया। यहाँ इतना आता था अनेक घटी का साथ, बहुत बड़ा मिला नहीं, कोई सरकार उसका ध्यान नहीं दिया। मेरा घर में कपड़ा न था, मेरा पतन में कपड़ा न था, मेरा बच्चे को पहनने का कपड़ा ना था, मेरा घर में खाना ना था। आज ऐसे मिल रहा है, मेरा खाना भी मिल रहा है, मेरा जिंदगी बेटा को मिल रहा है। 2 दिन का जिंदगी है, हम तो मर ही जाएगा, मेरा बच्चा तो अच्छा रहेगा, इसलिए मेरा इतना खुश है। जब मरने का बाद भी मैं खुश हूँ। झेलनी पड़ी कितना संघर्ष, बहुत तकलीफ। 40 साल से बेटा, 40 साल से तकलीफ। कभी खाना नहीं मिला, बारिश में बैठे रहता, कोई घर नहीं मिला। बच्चे लोग खाना मांगते तो क्या करता, मम्मी से खाना मिलने से। मम्मी तो मरने का ऐसा लगता है, हे भगवान कब मेरा मरने का दिन आ जाएगा। मेरा पति तो खत्म हो गया। चिंता करते करते देखते देखते ये लखनऊ में कम से कम 10-20 बार आया, कुछ भी नहीं मिला। नाराज होके घर गया, घर जाके रोते था। मेरा पति तो अभी नहीं, मेरे सपना पूरा हो रहा है, सपना पूरा हो रहा है, इसलिए तो बहुत खुश रहा, खुश भी हो रहा है। और जोगी जी को देने के लिए मेरा कुछ नहीं है, शुद्ध यही आंसू ही है बेटा, यही आंसू ही है मेरे पास, और कुछ भी नहीं है उसको देने के लिए। शरण में उनको, शरण में देने के लिए शुद्ध आंसू है। उन सारे लोगों ने दर्द झेला है, परिवारों ने दर्द झेला है, और कुछ नहीं मिला, बड़ी तकलीफों के साथ भूखे रह करके, बिना आवास के रह करके किस तरीके से जीवन यापन किया है, वो बात करते करते लोगों के आंसू आ जा रहे हैं, लोग रोना शुरू कर दे रहे हैं। तो इस तरीके का दर्द लोगों को देखने को मिल रहा है। और भी लोग हमसे बात करेंगे। 52 साल बाद आपको क्या जोगी भगवान है हमारा सब कुछ दिया है, कितना मेहनत करके काम करके आया, फिर भी संसार गुजारा करा। आज इतना साल बाद आज हमारा पुनर्वरण कर दिया हमारे बाबा जी ने। कितना कष्ट झेलना पड़ा? बहुत कष्ट, बहुत कष्ट। आज कितनी खुशी हो रही जब? आज बहुत खुशी, बहुत खुशी। आज सब लोग कह रहे थे फूल में मत डालो बोर्ड, और इतना कमल फूल खिल गया, बहुत खुश हो गया, बहुत खुश, बहुत खिल गया। क्या क्या मिला है आपको भी आज? आज खेती जमीन सब कुछ मिला, पट्टा मिला, अब अपने घर में रहने का मकान मिला, फिर स्कूल पाठशाला होने को सब कुछ हो गया, फिर वह हॉस्पिटल होगा, सब तरीका वो खुशी के आंसू हैं। आपके जो आंसू निकल रहे वो खुशी के हैं? खुशी के आंसू है, मैं दुख का नहीं है, खुशी का आंसू मिल गया आज, दुख का आंसू नहीं है आज। बहुत साल बाद आज बहुत, अभी तक मकान नहीं है क्या? मकान है नहीं, सही
जिसमें रहते उसमें फटा सुटा वाला है वही है। अपना नाम बताएंगे? निरूपा। कितना खास दिन है आज आप लोगों के लिए? खास दिन बाबू जी ऐसा है कि आज मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, ये तो चढ़ी ऐसा है कि आज कम से कम 35-37 साल से हम ये प्रयास कररत थे, लेकिन किसी सरकार ने हमारी तरफ मुंह उठा के नहीं देखा। आज योगी जी हमारे समस्या सुनी है और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमें थोड़ा सा बैठने के लिए जगह दे दिए, जमीन दिए है, उस कोई थोड़ा सा में हम बहुत संतुष्ट हैं, क्योंकि आज तक इतने साल तक जो दुख हमने झेले हैं उसके लिए थोड़ा तो बहुत ही है। तो जोगी जी के संघर्ष करना पड़ा, बहुत संघर्ष, कहीं में फैक्ट्री बंद होने के बाद कहीं नोएडा कहीं राजस्थान कहीं मतलब परिवार को लेकर भटकते फिरे काम के तलाश में। शुरुआत में तो यहाँ हस्तिनापुर में कस्सी चला के अपने बच्चों को पेट पालन करना पड़ा, मतलब आज बच्चे तो सब बड़े बड़े हो गए लेकिन उनको कैसे कैसे हमने थोड़ा बड़ा किया, ये हमारे मन और हमारे दिल मकान और जमीन का जो सपना था जीवन में वो आज मतलब मेरे माताजी भी इसमें इन्वॉल्व थी, मतलब इस जमीन के पीछे लगे पड़े थे, और वो तो है नहीं। मैं तो ये आशा करता हूँ कि मेरे माता जी की सपना पूरा हुआ, मेरे माता जी का सपना पूरा हुआ कि मेरे माता जी ने कहाँ कहाँ जाना पड़ा, कितना बहुत दूर ठोकरें खानी पड़ी, बहुत दूर। मैं राजस्थान तक वहाँ जाके अपने काम करने लगा, वहाँ जाके ऑटो भी चलाने लगा। फिर जब अनिल भैया के प्रयास से जब ये मतलब एक दिन ऐसे मतलब खुशी की बात मेरे 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 को सुनाया कि तुम्हारे लिए मतलब जब इनके आवंटन हो जाएगा अब आ जाओ जल्दी, फिर हम यहाँ आके फिर वहाँ पर फिलहाल तो हम वहीं पे ही बैठे, बच्चे किराए पे रहते हैं वहाँ पे किराए पे रहते थे, अब यहाँ आ गए बस। इतनी पुरानी समस्या का समाधान हुआ है, क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी को आप लोग? थैंक यू मुख्यमंत्री जी को क्या कहेंगे आप? बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा बोलूँगी, बहुत धन्यवाद जो किया 50 साल का आगे बात अभी जो किया उसका तो धन्यवाद से खुला थी कि आके दू और मन में सोचा नहीं। कितनी तकलीफें झेलनी पड़ी, कितने संघर्ष? बहुत बहुत। आज जोगी जी मोदी जी जो किया मानुष के लिए, मानुष ही तो भगवान, उन्होंने जो काम किया बहुत अच्छा किया, बहुत बहुत अच्छा किया। 50 साल उम्र है, शुरुआत में आपने देखा कितना संघर्ष किया परिवार के साथ, इतनी मेहनत करी, सारा देखा। कैसे जीवन यापन हुआ यहाँ तक आप पहुँचे, कितने तकलीफें झेली आपने शुरू से लेकर अब तक? और बहुत खुशी है, बहुत झेला, 50 साल आया ये देश में पाकिस्तान से, बहुत झेला, हमारे 100 बादशाह तो 100 बादशाह लेके बहुत झेला, बहुत खाना पीना का लिया, भागना पड़ा इधर उधर उधर काम करना तो झेला ना, ये कष्ट ना, अभी तो कष्ट नहीं कर पाते, मुझे सोलती ही पत्ती नहीं। तो जो हुआ वो तो बीत गया, अभी जो होगा मन में कहते हैं बहुत अच्छा ही होगा, बाल बच्चा के लिए बहुत अच्छा ही होगा। बोलो जोगी जी की मोदी जी की नमस्कार करो, अरुण बहुत अच्छा किया है, थैंक यू। कितना पुराना मामला आप लोगों का है जो अभी तक आवास और जमीन कुछ नहीं था? हम लोग ये देखिए 1984 से हम लोग इसका पीछे दौड़ रहा हूँ। हम लोग था 407 परिवार, मदन मिल में था हम लोग, तो कुछ लोग तो उड़ीसा में ले गया मालखनगिरी में, और कुछ बदाव में दिया गया है, बाकी हम लोग 65 परिवार रह गए थे। तो इसमें से 2 परिवार का तो आदमी पूरा ख़त्म ही हो गया, उनका कोई बचा नहीं आज तक, तो बाकी हम लोग था, तभी से हम लोग
संघर्ष कर रहे थे मिलेगा मिलेगा करके। आज वो बोल रहा था हाँ देंगे देंगे करके, कोई भी सरकार हम लोग को दिया नहीं। आज हम लोग को बीजेपी सरकार हम लोग को ये सपना पूरा कर दिया है। मोदी जी और योगी जी दोनों का आशीर्वाद से हम लोग आज ये सपना पूरा हुआ। 2 एकड़ भूमि, 200 वर्ग मीटर का आवास का पट्टा और मुख्यमंत्री आवास योजना में एक एक आवास और शौचालय, यह स्वीकृति प्रदान करते हुए मुझे अपने साथियों के साथ प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। में ये सभी परिवार आज के बांग्लादेश से, उस समय के पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर के भारत आए थे। हस्तिनापुर में एक सूत मिल में इन्हें नौकरी दी गई। लगभग 407 परिवार थे। 1984 में सूत मिल बंद हो गई और सूत मिल के बंद होने के बाद कुछ परिवारों का पुनर्वास अलग अलग जगहों पर देश के अंदर हुआ, लेकिन ये 65 परिवार ऐसे थे जो 1984 से लेकर के अब तक अपने पुनर्वास की प्रतीक्षा कर रहे थे और प्रतीक्षा करते करते 38 वर्षों में न जाने कितने लोग चले गए। 2 परिवार तो पूरा ही समाप्त हो गए थे और 63 परिवार बचे थे। हम लोगों ने जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हुए उन देशों के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भारत के अंदर नागरिकता देने और उनके पुनर्वास के कार्यक्रम का एक एक्ट पास किया, तो हम लोगों ने प्रदेश के अंदर पूरे पुराने कागज ढूंढने शुरू किए कि आखिर कौन ऐसे परिवार हैं जिन लोगों के बारे में इस कार्यक्रम को यूपी के अंदर आगे बढ़ाया जा सकता है। और तब हमारे सामने आए तो उनकी 1970 में आए हुए इन परिवारों की स्थिति अत्यंत बदहाल है। खानाबदोश की तरह लोग जीवन यापन कर रहे हैं और फिर इस प्रक्रिया को हम लोगों ने उस समय आगे बढ़ाया था। इस दौरान 2 वर्ष तक कोरोना कालखंड में हम लोगों ने देखा कि एक एक व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए जो प्रयास प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुए, हमें पूरी ताकत वहां लगानी पड़ी। लेकिन आज मुझे प्रसन्नता है कि राजस्व विभाग ने इन 63 परिवारों के व्यवस्थित पुनर्वास की एक कार्य योजना को आज यहां पर लागू कर दिया है और इन्हें आवासीय पट्टा यहां पे कुछ लोगों को हमने दिया है, बाकी आप लोगों को वहां पर उन लोगों को उन्हीं की सीट पर ये सभी कागजात उपलब्ध हो जाएंगे। उन्हें 2 एकड़ भूमि, 200 वर्ग मीटर आवासीय पट्टा और मुख्यमंत्री आवास योजना में एक एक आवास जिसमें 1,20,000 रुपए आवास के लिए मिलेगा, मनरेगा से भूमि के समतलीकरण और उसको उपजाऊ भूमि बनाने में योगदान देने के लिए सहयोग भी दिया जाएगा और साथ साथ एक एक शौचालय का निर्माण भी उनके घर में उपलब्ध करवाने की कार्रवाई भी इसके साथ जोड़ करके की जाएगी। ये पूरा कार्यक्रम आज आप लोगों के लिए यहाँ पर आयोजित किया गया है, मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ और अपनी सरकार की ओर से आप सभी के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। आज का दिन एक बहुत महत्वपूर्ण दिन इसलिए भी हमारे लिए है क्योंकि जिन लोगों को उस देश में जहां की वे मूल निवासी थे वहां शरण नहीं मिल गई, नहीं मिल पाई, वहां प्रताड़ित हुए, पीड़ित हुए, आजादी के बाद भी उन्हें उस दंश को झेलना पड़ा था उस देश के अंदर जहां के वे निवासी थे, लेकिन भारत ने दो दो हाथ उनके सामने फैला करके उन्हें अपने गोद में लेकर के उन्हें न केवल शरण दी बल्कि उनके व्यवस्थित पुनर्वास के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ा रहा है।
ये भारत की मानवता के प्रति सेवा का एक अभूतपूर्व उदाहरण सबके सामने है। कैसे एक एक मानवता की रक्षा करनी है और वह कार्य कैसे भारत के अंदर आगे बढ़ रहा है। आज ये 63 पट्टे भले 63 परिवारों के लिए हैं, लेकिन इससे आच्छादित होने वाले लगभग 400 की आबादी है जो इससे सीधे सीधे लाभान्वित होने जा रही है। और ये पहली बार नहीं हुआ भाइयों बहनों, जब 2017 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर प्रदेश की जनता ने प्रदेश में एक लोकप्रिय सरकार का गठन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में किया था, उस समय हम लोगों के सामने अनेक चुनौतियां थी। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्हें आजादी के बाद सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाया था। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।